बोल सकना बोलर हो गुरु जी। हाँ कोटाराम जी, कोटाराम जी ले ली मैं। हाँ धन है कोटाराम जी, तो एक्सीडेंटल बताइए हम क्या बात करो। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या मामला है और कब की घटना है ये जो श्री डूंगरगढ़ जो वीर बिग्गा जी महाराज अंचल है दोनों ने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। बीकानेर जिले के अंदर राजस्थान पूरे के अंदर आज डूंगरगढ़ शर्मसार है। इस प्रकार की घटना सिस्टम की लापरवाही के कारण होगी। आप खुद अब जो इस प्रकार के सैकड़ों की संख्या के अंदर जो गायों की जान गई है और पूरे व्यक्ति विशेष किसी का हम नहीं कह रहे लेकिन सिस्टम के अंदर इसके अंदर पूरी लापरवाही रही है। इस प्रकार से 9 बजे से गायों का मरना शुरू हो गया, रात को 12 बजे तक प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ और इसको लेकर हमारी पूरी मांग है कि जब तक आगे कोई दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो गौशाला को कलेक्टर अपने कब्जे के अंदर ले, प्रशासन इसको चलाए और जो इसके अंदर दोषी है ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा सिस्टम है अगर दूषित चारा आया है या किसी प्रकार की लापरवाही हुई है उसकी पूरी जाँच हो, अलग से कमेटी बने और जब तक इसका पूरा निर्णय नहीं हो तब तक कलेक्टर इसको गौशाला को अपने कब्जे में। कुल कितनी गायें मरी? सैकड़ों की संख्या में गायें मरी है यहाँ पर और पता नहीं कि 10-15 गायें तो सुबह मरते ही यहाँ हॉस्पिटल के सामने उन्होंने डलवा दी, वो ग्रामीणों ने खुद अपनी आंखों से देख ली। और भी बड़ा सूरसर दुलचा सर ये बड़ा एरिया है कांकड़ में आसपास और भी हो सकता है कहीं पर गायें मिले, इसको संख्या के आधार पर नहीं रख सकते। जैसे राजस्थान के अंदर हिंगोनिया गौशाला के अंदर जो घटना हुई थी उससे बड़ी ये घटना है। सैकड़ों की संख्या के अंदर गायें मरी है, बहुत कम समय के अंदर मरी है। यहाँ पर देखा कि रेस्क्यू टीम नहीं थी, प्रशासन लापरवाह था और मौके पर प्रशासन सुबह 9 बजे घटना शुरू हुई थी, रात को 12 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अंदर पूरा रोष है और इस पूरी घटना की जब तक प्रशासन यहाँ पर पहुँच कर आश्वासन नहीं देगा तब तक हमारा धरना जाग जाएगा।